इतिहास औद्योगिक क्रांति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और समझाया है। आज मैं आपको जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में आपको बतला रहा हूं और समझा रहा हूं। पहला जो प्रश्न है, ब्रिटेन में 1793 से 1815 तक कई युद्ध में लिप्त रहा, इसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, ब्रिटेन 1793 से 1815 ईस्वी तक फ्रांस के साथ युद्धों में लिप्त रहा। 15 जून 1815 को ब्रिटेन ने फ्रांस के शासक लेपोनियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया। यद्यपि ब्रिटेन की जीत हुई थी, किंतु इस लंबे युद्धों का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इन युद्धों का सबसे अधिक ब्रिटेन प्रभाव उद्योगों पर पड़ा। इसका विवरण निम्नानुसार है। पहला है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था तथा आर्थिक बहिष्कार की नीति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को भारी हानि उठानी पड़ी। नेपोलियन ब्रिटेन के व्यापार को नष्ट करना चाहता था, इससे ब्रिटेन का व्यापार संकट में फंस गया। दूसरा है, ब्रिटेन के उद्योगों का उत्पादन घट गया, उनके कच्चे माल की आपूर्ति को करारा झटका लगा, अनेक उद्योग बंद हो गए। लंबे युद्धों के परिणाम स्वरूप जन तथा धन की भारी हानि हुई, इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डबाडोल हो गई। चौथा है, उद्योग धंधे बंद होने से भयंकर बेरोजगारी पैदा हुई, हजारों मजदूर बेरोजगार और भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। पांचवा है, ब्रिटेन का भुगतान संतुलन विपरीत में चलने लगा। उसे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं भारी मात्रा में बाहर से मंगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। छठवां है, महंगाई बहुत बढ़ गई। रोटी तथा मांस की कीमतें आसमान छूने लगी। इसमें ब्रिटेन में मुद्रा प्रचार की स्थिति पैदा हो गई। सातवां है, देश में आर्थिक स्थिरता के कारण आम जनता में गहरा असंतोष हुआ। आठवां है, खाद्य पदार्थों के अभाव की स्थितियां पैदा हो गई, इससे जनता का रोष और बढ़ गया। इसका जो दूसरा प्रश्न है, नहर और रेल परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या है? उत्तर है, नहरों के सापेक्षिक लाभ। पहला है, नहरों के माध्यम से कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में सड़क मार्ग की अपेक्षा कम खर्च आता है और समय भी कम लगता है। इससे कोयले की कीमत घटकर आधी रह गई। दूसरा है, नहरों के कारण जमींदारों की जमीन पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों का मूल बढ़ गया, क्योंकि नहरों के द्वारा सामान को लाना ले जाना आसान हो गया। तीसरा है, शहरों का विकास। उदाहरण के लिए, बर्मिंग शहर का विकास इसलिए तेजी से हुआ क्योंकि यह ब्रिस्टल चैनल तथा मर्सी और हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के माध्यम में स्थित था। चौथा है, नहरों से आयात निर्यात सस्ता हो गया। पांचवा है, नहरों से आगमन सरल और सस्ता हो गया। छठवां है, नहरों से
नगरों को पानी की आपूर्ति बढ़ गई और सिंचाई के साधन के रूप में कृषि को लाभ हुआ। रेल परिवहन के सापेक्षिक लाभ। रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, सस्ती और तेज भी थी और माल तथा यात्री दोनों को ढो सकती थी। दूसरा है, रेल के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश किया। तीसरा है, रेलों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि हुई। अब माल रेलवे द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने लगा। चौथा है, नहरों तथा यात्रा करने वालों में यात्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। रेलवे द्वारा यात्रियों की सभी कठिनाई दूर हो गई। अब यात्रीगण कम खर्च पर और कम समय में आने जाने लगे। पांचवा है, रेल परिवहन पर सूखा, बाढ़, तूफान, वर्षा आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। इससे यात्रियों की यात्रा आसान हो गई। छठवां है, रेलवे के विकास से उपनिवेशवादियों को बड़ा लाभ हुआ। उपनिवेशियों से कच्चा माल आसानी से आने लगा। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिला। उपनिवेश पर नियंत्रण रखना आसान हो गया। तीसरा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, इस अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी? इसका उत्तर है, हम्फ्री डेवी द्वारा किए गए लोहे के पिघलाने के लिए धमन भट्टी का आविष्कार किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भट्टियों को काठ कोयले पर नहीं रहना पड़ता। इन भट्टियों में जो पिघला हुआ लोहा निकलता था उससे पहले ही अपेक्षा अधिक बढ़िया और अधिक ढलाई की जा सकती थी। दूसरा है, बेलन मिल, रोलिंग मिल के आविष्कार से छड़े तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। इससे लोहे द्वारा अनेक उत्पाद बनाना आसान हो गया। तीसरा है, कढ़ाई बुनाई की मशीनों के आविष्कार, कच्ची रुई को काट कर उसका धागा बनाने और उससे कपड़ा बनाने की रफ्तार बढ़ गई और यह काम बुनकरों के घरों से हटाकर कारखानों में चला गया। अब कपड़ा बनाने के अनेक कारखाने स्थापित हो गए। अब कपड़ा अच्छा तथा सस्ता बनने लगा। इससे आम लोगों को बड़ा लाभ हुआ। चौथा है, भाप शक्ति के आविष्कार से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। खनन उद्योग को बढ़ावा मिला। कारखानों में शक्ति संचालित मशीनों से उत्पादन की मात्रा बढ़ी। उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। भाप इंजन से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला। पांचवा है, भाप से चलने वाले इंजन बनने से रफ्तार बढ़ी। अब कम समय में यात्रियों का अपने स्थान पर पहुंचना आसान हो गया। औद्योगिक क्रांति के बारे में आपको पढ़ाया समझाया, उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताए। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए। कोई समस्या है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।